सब कुछ छीन लिया गया था चिराग पासवान, जीरो हो गया, फिर से वापस हो गया, 5 सीट में 5 सीट जीत गए, रात चाचा जीरो हो गए, एक और हो गया मोए में, एक और हो गया टेंगे टेंगे, वो भी केवल इस वजह से। दल बदल से बचना है तो कितना खींचना पड़ेगा, हाँ दो तिहाई। कभी कभी देखते होंगे ऐसा सीरियल में भी दिखता होगा कि अगर कोई मान के चलिए छोटी बहू है बेचारी ज्यादा पिटाती है, नहीं समझ आ गया, पता नहीं क्या सीरियल में ना देखिएगा ना, छोटी बहू एकदम पिटाते रहेगी, आएगो सास रहेगी बड़का टीका मार के, हाँ वो कोई चीज सही की रहेगी, नहीं छोटकी सही की रहेगी, लेकिन क्या होगा ना कि परिवार के दो तिहाई सदस्य सास की ओर से हो जाएंगे, बेचारी यही गलत साबित हो जाएगी, हो जाती है कि नहीं हो जाती है। कई बार घर में आप भी सही रहते हैं लेकिन दो तिहाई आप ही के विपक्ष में चले जाते हैं, आप अलग थलग पड़ जाते हैं। तो महाराष्ट्र में हुआ कि नहीं हुआ, बिहार में एक और एग्जाम्पल लीजिए, लोजपा, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, कितने सांसद थे 5, कितने सांसद थे LJP, कितने सांसद थे 5, इसमें से एक चिराग पासवान भी थे, इनको छोड़कर 4 के 4 चले गए, कहे कि हम असली लोजपा हैं, तो अलगे बवाल हो गया, LJP हम असली लोजपा हैं, अलगे बवाल हो गया, दिमागे काम नहीं कर रहा था उनका, की कहा हुआ हो भाई, दूसरा पार्टी ज्वाइन करता समझ में आता, अपन पार्टी बना लेते समझ में आता, हम असली लोजपा हैं। तो मैटर गया चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग कहा कि हाँ हाँ भाई लोकतंत्र है, जिसके पास ज्यादा सीट वही होगा। तो चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हटा के दिया गया, लोजपा से हटा दिया गया, सारा अकाउंट किसके पास आया, उनके चाचा के पास, पशुपति पारस के पास, चाचा के पास, सारा बंगला चाचा के पास, जितने पावर्स थे चाचा के पास, अब अकेले पड़ गए कौन। उन्होंने कहा कि ना झुकेगा नहीं समझा गया, झुकेगा नहीं। उन्होंने कहा वेट करते हैं, वेट 2 साल इंतजार किए, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा अपना पार्टी रहेगा LJPR, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हेलीकॉप्टर छाप हो गया ना, ये तो बंगला छाप थे पहले वहां पे, अब तो LJPR बना लिया उन्होंने। अब पशुपति पारस कह रहे हैं हम भी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा, ई वाले लोग, चाचा गुट, चाचा गुट किधर है, अच्छा इधर है चाचा गुट, हाँ ओहो इधर है, चाचा गुट कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, इधर आ गए, ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, अब बिहार में 40 गो लोकसभा है ये, आ इधर हमारे नीतीश कुमार, आधा ये मांग लिए तो आधा वो मांग लिए, बाकी में बटनी बांटना है। तो मोदी जी कहें कि तो माहौल अपने ठीक नहीं चल रहा है, बहुते लोगों को पार्टी सीट देनी है, तो ये कह रहे हैं कि 5 गो हमको चाहिए, कितना 5 सीट हम चुनाव लड़ेंगे। तो चाचा कह रहे हैं कि वो अभी बच्चा है उसको काहे सीट दीजिएगा, 5 गो हमको दे दीजिए। तो मोदी जी बेवकूफ हैं, उनको ना पता है कि वोट किसका है। तो असमंजस होते गया, लास्ट में मोए मोए हो गया इनका, चाचा को साइड हो गया, उनको एको सीट नहीं दिया गया, एको सीट नहीं मिला गठबंधन में। मोदी जी कहें बैठ जाइए चुपचाप, विधानसभा में देखा जाएगा, विधानसभा में कुछ करेंगे नहीं, देखा जाएगा। 5 सीटें किसको दे दी गई, चिराग पासवान, अब 5 सीट में 5 सीट जीत गए, 5 से 5 जीत गए, समझा गया। चाचा के पास 0, इस बार उनको मिलवे नहीं किया, चाचा क्या हो गया 0 हो गया, एक और हो गया मुंह में, एक और हो गया टेंगे टेंगे। तो बिहार में राजनीतिक एग्जाम्पल लेने के लिए हमें महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, एक से एक कांड हुआ है बिहार में, LJP के साथ जो हुआ वो दिमागे काम नहीं कर रहा था यहाँ पे, समझा गया। सब कुछ छीन लिया गया था चिराग पासवान के साथ से, A to Z सब कुछ जीरो हो गया एकदम, रातों रात फिर से वापस हो गया, रातों रात चाचा जीरो हो गए, रातों रात खेला हो गया, वो भी केवल इस वजह से कि ऐसा हो रहा था ना कि मोदी जी मतलब BJP रेडी थी 5 सीट देने के लिए, तो ऐसा हुआ कि चिराग पासवान को 3 दे दिया जाए, चाचा को 2 दे दिया जाए। मोदी जी कहे कि इन लोग की लड़ाई में हम काहे को पड़े, तो वो कहे कि ना हमको 5 दीजिए, नहीं तो उधर से तो 10 मिल रहा है भैया, 5 लो चाचा का, तब चाचा चाचा समझे अब अपना, चाचा चुप हो गए आप। कई बार आप रिजिड हो जाते हैं ना, रिजिड तो भी बहुत मायने रखता है।